तुगलकाबाद किले के अंदर दो विधायक और एक पूर्व विधायक ने अपने अपने आलीशान महल बना लिए हैं। इतना ही नहीं, तुगलकाबाद किले में जमीन की खुलेआम खरीद फरोख्त भी की जा रही है। और तो और, किले के अंदर लगे सेलफोन कंपनियों के टावर पुरातत्व विभाग के तमाम नियम कायदों को सरेआम मुंह चढ़ा रहे हैं। तुगलकाबाद किले के अंदर की 2661 बीघा जमीन पुरातत्व विभाग की है, पर इस जमीन पर बना ये मकान स्थानीय विधायक रमेश बिधूड़ी का है और पास का ये घर बदरपुर के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी का। कहने को तो ये सारे निर्माण गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ सर उठाए खड़े सेलफोन कंपनियों के टावर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। रही बात विधायक जी की, तो वो इसे भी विपक्षी दलों की साजिश का नतीजा बताने से नहीं चूकते। जो विधायक अब बन गया है, वो आदमी उसी जमीन में रह रहा है, सरकारी जमीन में, आर्कियोलॉजिकल की जमीन में रह रहा है। उसी व्यक्ति ने, उन्हीं व्यक्तियों ने ये जो है कबाड़ी बैठा रखे हैं, उन्हीं से वही पैसा लेते हैं। तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके आज वो झोपड़ी ना हो के हमने महल बना लिया, अब घर बना लिया, सॉरी मैं महल कह रहा हूँ, आज वो घर बना लिया हमने। जिसको महल में, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि वो जो झाका कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें यह आया कि रमेश बिधूड़ी हैज ऑल्सो ए पैलेसियस हाउस। दिल्ली सरकार, पुलिस और यहाँ तक कि एएसआई के कागजात भी ये साफ तौर पर बयान करते हैं कि ये जमीन सरकारी है। दिल्ली विधानसभा में भी एक सवाल के जवाब में इसे पुरातत्व विभाग की जमीन बताया गया। बावजूद इसके सरकार की खामोशी लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही। कौन सा एक डिपार्टमेंट बच गया भारत सरकार का जो ये नहीं कह रहा कि आर्कियोलॉजी की लैंड है, उसके बावजूद ये लोग एंक्रोचमेंट पर आगे करते चले जा रहे हैं, आगे किराए पर जमीन दे रहे हैं, पहले झुग्गी बनाते हैं, उसके बाद उसको पक्का कर देते हैं, उस पूरे किले को घेरते चले जा रहे हैं। किले के अंदर एक कॉलोनी तो बस चुकी है और इन झुग्गियों को देखकर कहा जा सकता है कि नई कॉलोनी बसने में भी देर नहीं। 700 साल पुराने इस किले की एक एक ईंट पर इतिहास की इबारत खुद ही मिलेगी। ये हमारे लिए सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी अमानत है, लेकिन नेताओं का वश चले तो इस अमानत की एक एक ईंट बेच कर खा जाए। मजे की बात तो यह है कि जिन एजेंसियों के नाक के नीचे ऐसा सब कुछ चल रहा है, वो भी चैन की नींद सो रही हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो एक और तो तुगलकाबाद किले में लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है, दूसरी ओर यहाँ की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक के आदेश का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस गोरख धंधे को शुरू करने का आरोप यहाँ के विधायक पर ही लगता रहा है। तुगलकाबाद किले की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगी है, लेकिन इसे ताक पर रखकर जमीन बेची भी जा रही है और मनमाने तरीके से कोठियां खड़ी भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि पहले झुग्गी झोपड़ी बनती है और फिर धीरे धीरे पक्के मकान भी बन जाते हैं, और इस धंधे में यहाँ के विधायकों पर भी उंगलियां उठती रही हैं। A647 खसरा नंबर जो है ये आर्कियोलॉजी का हैगा, उन्होंने FIR में जो है इनको मुखिया बताया हैगा कि ये जो जमीन के जो है सरगना आएंगे। STFC की रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये सरगना हैंगे, रमेश बिधूड़ी जी जो MLA हैं वो सरगना हैंगे इसके। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि सरगना के खिलाफ तो FIR लॉन्च नहीं हुई। इलाके के विधायक और पूर्व विधायक एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तुगलकाबाद के विधायक रमेश बिधूड़ी और पूर्व विधायक शिशुपाल पर कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के भू माफियाओं को बढ़ावा दिया है। ये दोनों इसका ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ते रहे हैं। बीजेपी सरकार जो पीछे झूठ बोलती रही थी दिल्ली विधानसभा में, ये एक वो नेगी कमेटी और मदन झा कमेटी की रिपोर्ट बनाते थे, वो 410 खसरा नंबर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो 410 खसरा नंबर। ये 2661 बीघे से अलग है, इन्होंने गुमराह करके लोगों को गुमराह करा, जो जांच एजेंसी है उनको गुमराह करा कि 2661 बीघे में आप देखेंगे कि 410 नंबर खसरा वो तुगलकाबाद एक्सटेंशन का, उसका आर्कियोलॉजिकल से कोई लेना देना नहीं है, और मेरा भी उस खसरे से भी कोई लेना देना नहीं था। 8 कमेटियों ने जांच की 2002 के अंदर, 8 कमेटियों ने पूर्व विधायक को दोषी पाया गया कि जमीन की खरीद फरोख्त में सम्मिलित था। ये तो वो आज कहता है पूर्व रमेश बिधूड़ी या रामवीर बिधूड़ी खरीद फरोख्त करा रहे हैं। तो 8 कमेटियों ने जांच की, वो रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें रामवीर बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी कहां स्टैंड करते हैं, और 8 कमेटियों ने एकमुश्त रूप से उसको तो अब तक जेल में होना चाहिए था। दोषी चाहे जो भी हो, पर इस आरोप प्रत्यारोप से एक बात तो साबित हो ही जाती है कि इलाके में लोग खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखना यह है कि सरकार कब जागती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तुगलकाबाद का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है, इस बात से शायद ही कोई सीधे सीधे इनकार कर सके, लेकिन इस किले पर ASI का कब्जा नहीं है। इस किले की चार दीवारी के अंदर एक पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है और यहाँ रहने वाले ये लोग अपना पुश्तैनी अधिकार इसे मानते हैं। इसके लिए लोगों के पास अपने तर्क भी हैं।
तुगलकाबाद के इस किले पर कब्जे को लेकर गांव वालों और एएसआई के अपने अपने दावे हैं और ये मामला लंबा ही खिंचता जा रहा है। इलाके के विधायक का कहना है कि ये बात तो संसदीय कार्रवाई में भी साफ हो चुकी है कि तुगलकाबाद में सारी जमीन एएसआई की नहीं है, मालिकाना हक भी हमारे पास है और एएसआई की कभी मालिक नहीं थी। 1992 में राज्यसभा में मिस्टर चतुरानंद है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने क्वेश्चन राइज किया कि तुगलकाबाद गांव के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किले की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये मेरे पास राज्यसभा के क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में 2396 बीघा जमीन वो कहते हैं वो टोटल है गांव के लोगों की और 78 बीघा जमीन के ऊपर 78 बीघा इज अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पिथोड़ी का कहना है कि इस पूरे मामले में एएसआई और ब्यूरोक्रेसी ने काफी गलत प्रचार किया है। उनका कहना है कि गांव की जमीन तुगलकाबाद किले के दायरे में आती ही नहीं। दिल्ली जितना भी शहर बसा हुआ है उसकी पहले राजा जब होता था अपना किला बनाता था, 78 बीघे के अंदर किला सेपरेट है और ये वॉल सिटी है, वॉल सिटी के अंदर गांव बसा हुआ है, लेकिन बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है कि गांव किले के अंदर बसा हुआ है। तुगलकाबाद किले के अंदर कितनी जमीन गाँव वालों के पास रहेगी और कितनी एएसआई के पास, इसका फैसला अब अदालत के जिम्मे है। ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और लोगों की निगाहें फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। दिल्ली आज तक आपका अपना चैनल है। हमारी कोशिश है कि शहर में चल रहे हर घोरक धंधे का पर्दाफाश किया जाए। हमने तुगलकाबाद के किले पर हुए कब्जे को एक्सपोज किया, हमने बेनकाब किया उन विधायकों को जिन्होंने किले की जमीन पर आलीशान कोठियां बना रखी हैं और राष्ट्रीय धरोहर को मटिया मेट करने में जुटे हैं। अगर आपके इलाके में भी किसी राष्ट्रीय धरोहर पर कब्जा हुआ है और उसे तबाह किया जा रहा है तो आप हमें 2424 पर एसएमएस कर सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, डीएटी टाइप करें, फिर स्पेस दें और लिखें अपना संदेश और फिर अपना नाम और पता लिखकर उसे 2424 पर एसएमएस कर दें।